कि रोड के लिए आवाज जो उठाई गई है यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इनको कई किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है बड़वारा। और यहाँ पर एक रपटा की मांग हो रही है, जो देवरी घाट में अगर एक रपटा बन जाएगा तो यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर पड़ेगा। 4-6 गांव से भी ज्यादा के लोग यहाँ से बड़वारा का डेली अप डाउन करना पड़ता है, और यहाँ पर इतने हाईवा चल रहे हैं, रेता वाली गाड़ियां चल रही है, जिससे कि पूरी रोड उखड़ गई है और लोगों को चलना दुश्वार है यहाँ पर। और मैं आप चाहूंगा कि सुनील भैया, मेरे बड़े भाई साहब यहाँ आए और अपनी बात रखें। आप लोगों ने जो आपकी असुविधा थी उसके लिए जो आज आप सभी को बुलाए हैं, उसके लिए मैं आपको, आप लोग जागे, भले लेट जागे लेकिन अच्छा जागे, जिससे कि आपके बच्चों को स्कूल जाने में, साइकिल से जाने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। बड़वारा मुख्यालय यहाँ से अगर रपटा पुल बन जाता है तो मुश्किल से 7-8 किलोमीटर रहेगा, नहीं तो ऐसे घूम के जाने पर 30-35 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि सभी को असुविधा होती है। आपके क्षेत्र में 4-4, 5-5 रेत की खदानें हैं, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है, उस राजस्व को भी अगर हमारे गांव में लगा दें तो इस क्षेत्र का विकास भी होगा, रोड की मरम्मत भी हो जाएगी और पुल भी बन जाएगा। ये सब मांगों को लेकर आप लोगों, यहाँ महानदी में पुल रपटा न होने के कारण यहाँ महिलाएं डिलीवरी के लिए जब होते हैं तो यहाँ से ले जाने में इतनी भारी परेशानियाँ होती हैं कि उसको डोली में बैठा करके और मुख्यालय बड़वारा पहुँचाया जाता है। इसलिए हमारी पूरी जनता की मांग है कि नदी में पुल बनाया जाए रपटा टाइप का, जिससे कि आवागमन का साधन बन जाए, मवेशियाँ ले जाने के लिए पुल के द्वारा ही मवेशी भी निकलें और खेती किसानी के लिए हर किसान नदी पार कर सके। कब से रोड नहीं बनी यहाँ? ये रोड लगभग 10 वर्ष हो गए। आप लोगों ने कलेक्टर से कोई शिकायत या कुछ मांग की है? कई बार धरना प्रदर्शन हुआ इस रोड के लिए, पर यहाँ हमारे माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा तो यहाँ बिल्कुल बड़वारा क्षेत्र के जनता के लिए वो अग्रसित रहते ही नहीं। आपकी अनशन करने के बाद कोई अधिकारी आपके पास आया आश्वासन देने या कुछ इस टाइप की आपकी मांग? आज तक कोई नहीं आया। आज तक कोई नहीं आया? क्या आज तक कोई नहीं आया? यहाँ नदी से रेत निकलती है, 7 घाट हैं, 7 खदान यहाँ से जो चल रही हैं, बड़े बड़े हाईवे निकलते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन लोग करते भी हैं, तो हाईवे वाले किसी को 1,000 रुपये दिए, किसी को 500 रुपये दिए और निकल लेते हैं। ये है सरकार के हाल। क्या नाम आपका? मेरा नाम पदम राज सिंह।